जय माता जी की सा कामा गणि नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट सीबीएसई नेट में पूछी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नवंबर 2017 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ बुक्स पूछी गई थी। पहली ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस पी हैगेट के द्वारा लिखी गई, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स पी.ई. जेम्स, स्पेशल ऑर्गेनाइजेंस एल्बर एडम्स और गोल्ड के द्वारा लिखी गई, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंड फॉर्म्स ये वॉल्टर पैंक की है, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये थॉर्नबरी की है, अनस्टेबल अर्थ बहुत बार पूछी जाती है J.A. स्टीयर्स, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी S.W. गोल्डरिज की, मिटियोरोलॉजिका अरस्तू ने लिखी, नो डाउट ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछी जाती, वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी G.E. पर्सी। जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पूछी गई किताबें हैं वो पहली एलिमेंट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स H.E.W. रिचर्डसन की, लॉ ज्योग्राफी ह्यूमेन जीन ब्रूंस की, थ्योरेटिकल ज्योग्राफी विलियम ब्रूंस की, ज्योग्राफिकल डायमेंशंस ऑफ इनोवेशन हैगरस्ट्रैंड की, ह्यूमन रिस्पॉन्स टू फ्लड्स गिलबर्ट वाइट की लिखी हुई है ये, मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस वॉल्टर रिसार्ट, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पी हैगेट की, और ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन इंडिया ये मिश्रा राव एंड सुंदरम की लिखी गई है। इसके अलावा जनवरी का जो एग्ज़ाम था दोस्तों उसमें ये कुछ किताबों के सन पूछे गए हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वेबर के द्वारा लिखी गई ये 1909 में, द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन वॉन थ्योनेन की 1826 में, इसी प्रकार द आइसोलेटेड स्टेट 1954 में, और सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी ये 1966 की बुक है। यूजीसी नेट JRF का एग्ज़ाम सेकंड पेपर जुलाई 2016, इसमें जो किताबें पूछी गई वो इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित में से किसने टॉलेमी की पुस्तक में सुधार किया था? तो इसका आंसर है अल इद्रिसी। अल इद्रिसी ने टॉलेमी की जो पुस्तक थी अल्माजेस्ट उसमें इन्होंने सुधार किया था। ये थर्ड पेपर जुलाई 2016 का, इसमें पूछी गई किताबें इस प्रकार से हैं दोस्तों, वुलरिच और मॉर्गन की स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी हमने 2017 के एग्जाम में भी पढ़ी है, उसमें हमारे पास में ऑप्शन में सिर्फ वुलरिच ही था, या हमारे पास में मॉर्गन भी दिया हुआ है तो वुलरिच और मॉर्गन। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थॉर्नबरी की है, जियोमॉर्फोलॉजी क्रिस्टोफन की, और अनस्टेबल अर्थ स्टीयर्स की, J.A. स्टीयर्स की। ये बुक हमने जो 2017 का जो एग्ज़ाम यूजीसी नेट का उनमें भी ये किताबें पूछी गई है। अगली C.A.M. किंग के द्वारा बीचेस एंड कोस्ट, रिटर के द्वारा प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी, R.A. बैगनोल्ड की द फिजिक्स ऑफ दी ब्लोन सैंड एंड डेजर्ट ड्यून्स, और शुम महोदय की टू इंटरप्रेट दी अर्थ। फिर इसी पेपर में 27 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इसमें विजिबल कंटेंट ऑफ लैंडस्केप ऑल्टो शोल्डर की, मेजर वर्क्स ऑन चाइना ये वॉन रिस्तोफन की है, दास आयरन अच्छी बुक है बहुत ही प्रसिद्ध बुक है ऑस्कर पेशल की, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी फ्रेडरिक रेटजेल की, नो डाउट ये भी बहुत फेमस बुक है कई एग्जाम में पूछी जाती है। फिर इसी पेपर में 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इब्न खालदुम की मकदमा सही है, अल मलाखी की किताबुल अशकल सही है, अल मसूदी रूट्स एंड रिम्स ये इनकी बुक नहीं है, अल बरूनी किताब अल हिंद ये भी सही है। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें,
एल डी स्टाम की, ग्रेट ब्रिटेन यूज एंड मिस यूज, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनकी कॉस्मोस है ही, बहुत ही प्रसिद्ध बुक, रिचर्ड हार्डशोन की नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी भी इन्हीं की बुक है, आर ई डिकिंसन की मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, यूजीसी नेट जेआर ऑफ भूगोल का पेपर, पेपर 2 दिसंबर 2015, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ एलसी किंग की, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियो जियोमॉर्फोलॉजी ए होम्स की, जियोमॉर्फोलॉजी स्पार्क्स की, और प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थॉर्नबरी की। ये बुक हमने पहले भी पढ़ी है 2017 के एग्जाम में भी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी डब्ल्यू डी थॉर्नबरी। फिर इसी पेपर में दोस्तों ने कुछ किताबों के सन पूछे गए हैं, जैसे कि द पल्स ऑफ एशिया एडिंगटन की है 1907 की, और फिर इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट ये सैंपल की है, एलन चर्चिल सैंपल की जो 1911, और इससे पहले इन्होंने 1903 में इनकी एक बुक आ गई थी अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशंस, ये भी एलन चर्चिल सैंपल की है, और 1973 की बुक है कन्फ्लिक्ट पावर एंड पॉलिटिक्स इन द सिटी। 2015 का पेपर थर्ड, बट्जर के डब्ल्यू बट्जर की जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, डेविस महोदय की द जियोमॉर्फिक साइकिल, सी इम ब्रिटलैंड इत्यादि, सॉरी सी इम ब्लेटन इत्यादि की है प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, और थॉर्नेस इत्यादि की है जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम। अगला क्वेश्चन मिटीरियोलॉजी का के बारे में पूछा, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया इसे, तो ये अरस्तु महोदय के द्वारा लिखी गई है। द प्री इंडस्ट्रियल सिटी पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसमें औद्योगिकरण के व्यापक प्रभाव के बारे में से पूर्व नगरीय बस्तियों की संरचना की जांच की गई है, ये लिखी गई जी जो बर्ग महोदय के द्वारा, पेपर 2 जून 2015, पहली बुक इलस्ट्रेशन ऑफ द हटोंटियन थ्योरी ऑफ द अर्थ, ये बुक लिखी है जॉन प्लेफेयर महोदय ने। पेपर 3 जून 2015, किस भूगोलवेत्ता ने ज्योग्राफी ऑफ प्लांट्स नामक पुस्तक लिखी है, SM अली, नेट एग्जाम पेपर 2 दिसंबर 2014, द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हार्टिंगटन ने लिखी है, पल्स ऑफ एशिया भी इन्हीं की लिखी गई है। अगली बुक अर्ड कुंडे कार्ल रिटर महोदय के द्वारा 1817 में ये प्रकाशित हुई थी। फिर इसी पेपर में 40 नंबर का क्वेश्चन ज्योग्राफिया स्ट्रैबो महोदय की लिखी हुई है, और कई जगह हम ज्योग्राफिया टॉलेमी महोदय की भी पढ़ते हैं, लेकिन वो ज्योग्राफिया एग्जैक्टली ज्योग्राफिया नहीं है, वो ज्योग्राफिया सिंथेसिस है जहाँ तक मेरा नॉलेज है। बहरहाल हम इन किताबों की बात कर लेते हैं, ज्योग्राफिया स्ट्रैबो की, कॉस्मोस एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की, नेशंस एंड नेशनलिटीज रेक्ल्यूज की है, और एंथ्रोपो ज्योग्राफी नो डाउट फ्रेडरिक हेडसेल की है, ये पहले भी पूछी गई है। पेपर 3 दिसंबर 2014, और इसका पहला ही क्वेश्चन भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एक रूपतावाद सर्वप्रथम किस किताब में प्रस्तुत किया गया, थ्योरी ऑफ द अर्थ में प्रस्तुत किया गया जो जेम्स हटन ने लिखी है। अगली बुक सिविलाइजेशंस एंड क्लाइमेट, ये हटिंगटन महोदय ने लिखी है, पल्स ऑफ एशिया भी नहीं की है, कॉस्मोस तो पता है ना आपको किसने लिखी है, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, बहुत बार पूछी गई दोस्तों ये, पेपर 2 जून 2014।
प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थॉर्नबरी की है, कई बार पूछी जा चुकी है। द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स आर जे स्मॉल की लिखी हुई है। अनस्टेबल अर्थ बहुत बार पूछी जा चुकी है, एस टी अर्थ महोदय की है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ एल सी किंग की है, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है दोस्तों कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मुकदमा इब्न खलदून की, अलबालाखी की किताबुल अशकल, अल मसूदी रूट्स एंड मिरेकल्स लिखा हुआ है, जो सुमेलित नहीं है, अल बरूनी की किताब अल हिंद, ये बिल्कुल सही है। पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी रिचर्ड हार्टशॉन की, दोस्तों नेचर ऑफ ज्योग्राफी भी रिचर्ड हार्टशॉन की है। पेपर 3 जून 2014। जियोमॉर्फोलॉजी लोबेक असेस इन जियोमॉर्फोलॉजी ड्यूटी फिजिकल जियोग्राफी स्ट्रेलर महोदय की, एंड आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी उलरिच एंड मॉर्गन। ऑटो शुल्टर की भूदृश्य के दृश्यगत विषय वस्तु, इंग्लिश में हमने नाम पढ़ा था विजिबल कंटेंट्स ऑफ लैंडस्केप। ओन स्टोफन चीन का अध्ययन, ऑस्कर पेशल का दास ऑसलैंड, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी नो डाउट फ्रेडरिक रेडजल महोदय की। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्टशॉन की, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी भी हार्टशॉन की। द अर्बन क्वेश्चंस एम कैस्टल्स, सोशल जस्टिस एंड द सिटी डी हार्वे की, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पी हैगेट महोदय की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, बुक से संबंधित इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में लाइक कीजिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, निश्चित रूप से अच्छी बातें ही जानने को मिलेगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।